हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस में। ये ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस की तरफ से क्वेश्चन बैंक की आपको एक सीरीज़ दी जा रही है। इस सीरीज़ में हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स इंग्लिश मीडियम का। जो ब्लास्ट कोचिंग क्लासेस है इसकी तरफ से 10th और 12th वालों को कंटेंट दिया जाता है। तो 10th क्लास का ही हमने फुल सॉल्यूशन क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ देखी और 10th क्लास की ही हमने क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ देखी। 12th क्लास की भी आप देख सकते हो। 12th क्लास में हमने क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज़ दे करके रखी है और परीक्षा बोर्ड की भी एक सीरीज़ दे करके रखी है और एक और ये नई सीरीज़ हम देख रहे हैं जिसमें 12th क्लास का हमारा फुल क्वेश्चन बैंक आएगा। ये जो क्वेश्चन बैंक है इसकी आप PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो और साथ ही आप हर संडे को 6:30 PM पर एक हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हो YouTube पर इसी चैनल पर, जिसमें ये हम लाइव स्ट्रीमिंग करके आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहते हैं। आप अपने किसी भी क्वेश्चन का आंसर वहाँ से ले सकते हो, बस आपको चैट बॉक्स में कमेंट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस बार जो हमारा 40% है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं और पास होने के लिए हमें 33 मार्क्स चाहिए। फिजिक्स का 70 मार्क्स का पेपर होगा जिसमें से हमारे 28 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, ये हमें दिख ही रहा है। ठीक है, तो इस पूरी वीडियो में केवल हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। अगर आपको इसके 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 4 मार्क्स के भी आंसर चाहिए हो तो आप कहाँ से जा करके देख सकते हो, ये पूरी PDF हमारी टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी आपको, आप वहाँ से जा करके देख सकते हो। स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे पहले चैप्टर से जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये यूनिट फर्स्ट का हमारा पहला चैप्टर है। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज क्यू इज एन इलेक्ट्रिकल फील्ड विल बी। तो इसका फोर्स हमारा कितना होगा, तो एफ इक्वल टू कितना होगा, क्यू ई। सेकेंड है हमारा द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू चार्ज क्यू एट डिस्टेंस आर इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये होता है हमारा ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के, यानी आंसर आएगा 1/r². थर्ड क्वेश्चन है हमारा एन इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी डाइपोल मूवमेंट इज प्लेस इन साइड अ होलो स्फेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द स्फेयर विल बी। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, 0। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन और इसमें है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज इज। तो जो हमारा 1 कूलाम होता है उसके अंदर टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसका आंसर हमारा कितना होगा, तो इसका आंसर होगा m-1 l-3 t4 a2। उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है हमारा द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मूवमेंट एट अ पॉइंट आर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/r³। सेवन्थ है द वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल ऑफ अ डाइपोल मूवमेंट थ्रू एन एंगल 180 फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज। तो इसका फिर हमारा वर्क डन कितना निकल करके आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा PE। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ क्वेश्चन, तो इसमें अ क्यूब हुज ई साइड इज एक्स अ पॉइंट चार्ज क्यू इज प्लेस एट अ डिस्टेंस x√2 जस्ट अबव द सेंटर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद द क्यूब विल बी। तो इसका आंसर हमारा कितना आएगा, q/ε₀। नाइन्थ है द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट हमारी क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फ्लिंग द ब्लिंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन फॉर अ सिंगल नेगेटिव चार्ज स्टार्टेड विथ, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, इनफाइनाइट। सेकेंड है हमारा द परमिटिविटी ऑफ मेटल इज, तो ये भी कितनी होती है, इनफाइनाइट। थर्ड है हमारा इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज डबल देन द अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन देम विल बी टाइम, तो ये कितना होगा, 16 टाइम इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वन वर्ड, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा फॉर विच टाइप ऑफ चार्ज ग्रुप द इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेंस द सेम, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन सीट। सेकेंड है हमारा फॉर विच टाइप ऑफ चार्ज ग्रुप इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्मली चार्ज लीनियर कंडक्टर। थर्ड है हमारा फॉर विच टाइप ऑफ चार्ज ग्रुप इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, पॉइंट चार्ज। फोर्थ है फॉर विच टाइप ऑफ चार्ज ग्रुप इज इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, तो ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये सब आपको करने हैं।
फिर उसके बाद में हम इसमें केवल ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं बनता है या डेरिवेशन नहीं हो पाते हैं तो आप कमेंट करके बताना, ये सब हम आपको करा देंगे। हिंदी मीडियम का भी हमने आपको इसका दे करके रखा है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करना है। जितनी बार आप देखोगे तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है हमारा द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज, तो इन दोनों के बीच में हमारा एंगल कितना होता है 90 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है फिर इसके बाद में हमारा ऑब्जेक्टिव का, प्लेस टू पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a फ्रॉम ईच अदर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ दीज विल बी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा 0। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, इफ द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इंक्रीज बाय 2 वोल्ट बाय गिविंग 10 कूलम्स ऑफ चार्ज देन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर विल बी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 5F यानी 5 फैराड। उसके बाद में नेक्स्ट आएगा हमारा फोर्थ, तो इसमें हमारा क्या है, व्हेन टू कैपेसिटर आर ज्वाइन इन पैरेलल ईच कैपेसिटर विल हैव द सेम। तो जब दो को हम लोग पैरेलल में ज्वाइन करते हैं तो इनमें हमारा क्या सेम होता है, तो पोटेंशियल हमारा सेम होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, टू कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटेंस फर्स्ट कनेक्टेड इन पैरेलल देन कनेक्टेड इन सीरीज, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस इन बोथ द केसेस। तो ऐसे केसेस में इसका रेशियो क्या होगा, 4:1। उसके बाद में हमारा सिक्स क्वेश्चन, तो सिक्स है द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट अ पॉइंट 5 मीटर अवे फ्रॉम द चार्ज 2 माइक्रोकूलम विल बी। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 3.6 × 10⁻³ वोल्ट। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला है हमारा 1 फैराड इक्वल टू, तो 1 फैराड 10⁻½ स्टे फैराड के इक्वल होता है। सेकंड है 1 जूल इक्वल टू कूलाम मल्टीप्लाई, तो कूलाम मल्टीप्लाई क्या होता है, वोल्ट। 1 जूल बराबर कितना होता है हमारा, कूलाम वोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा आंसर ऑफ द वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटर ऑन इंक्रीजिंग अ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेटर ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसका आंसर क्या आएगा, द कैपेसिटेंस डिक्रीजेस। सेकंड है हमारा, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैपेसिटी ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इफ इट इज सराउंडेड बाय एन इंसुलेटिंग मटेरियल। तो इसका आंसर क्या आएगा, द कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस बिकम के टाइम। थर्ड क्या है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्ट, तो इसकी इलेक्ट्रिक वोल्ट की यूनिट हमारी क्या होती है, ये एनर्जी होती है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, तो ये सब आपको करने हैं। इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, जो हमारे फ्लिंग द ब्लैंक्स आने वाले हैं, जो हमारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले ऑब्जेक्टिव हैं, वो सब कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको हम लोग देख लेते हैं थर्ड चैप्टर को, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये सेमीकंडक्टर का हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेकंड हमारा क्या है, द कंडक्टर ऑफ सुपर कंडक्टर इज, तो द कंडक्टेंस ऑफ सुपर कंडक्टर कितना होता है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा इन्फाइनाइट। थर्ड है इलेक्ट्रिक सेल इज सोर्स ऑफ, तो जो इलेक्ट्रिक सेल है वो हमारा किसका सोर्स है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड अपॉन, तो ये किसके ऊपर डिपेंड होता है हमारा, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये हमारा मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला क्वेश्चन है हमारा किरचॉफ फर्स्ट लॉ इज एन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ, तो ये किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड है किरचॉफ सेकेंड लॉ इज इन अकॉर्डिंग विद द लॉ ऑफ, तो ये किसके ऊपर है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक करंट इज अ क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। फोर्थ है इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज अ क्वांटिटी, तो ये कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। फिफ्थ है मीटर ब्रिज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो मीटर ब्रिज हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर वर्क करता है। उसके बाद में हमारे आंसर इन वन वर्ड, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इन इट्स बैलेंस कंडीशन, तो कितना होता है इसका, 0। सेकंड है राइट द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये कितना होता है, आई इक्वल टू होता है हमारा NeAvD, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, आई इक्वल टू NeAvD। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला, अ वायर इज स्ट्रेस टू मेक इट 3 टाइम
इट्स लेंथ, फाइंड हाउ मेनी टाइम इट्स रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस इसके 3 के स्क्वायर यानी 9 टाइम हो जाएगा। फोर्थ है हमारा, राइट द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर सेंटीमीटर। उसके बाद में ये है क्वेश्चन हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर, तो ये आपको खुद को करने हैं, इसमें केवल हम लोग ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, तो इसको हम लोग निकाल लेते हैं फोर्थ चैप्टर, थोड़ा सा और, हाँ ये हमारा फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें पहला है हमारा अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस, तो मूविंग चार्ज हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड है हमारा द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करेंट इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉयल। उसके बाद में थर्ड है हमारा द फोर्स ऑन अ चार्ज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ए वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, इफ अ गैल्वेनोमीटर प्रोड्यूस विथ हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज देन विल बी मेड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वोल्टोमीटर। फिफ्थ है द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड अ करेंट कैरिंग सोलेनॉइड इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, यूनिफॉर्म। उसके बाद में सिक्स ऑब्जेक्टिव है हमारा अ चार्ज पार्टिकल्स एंटर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू फील्ड देन इट्स पाथ विल बी, तो इसका पाथ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। उसके बाद में क्वेश्चन हमारा सेकंड जो है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है द टॉर्क ऑन अ करेंट कैरिंग लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द प्लेन ऑफ लूप इज टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कैसा होगा, जब पैरेलल होगा, तो इसका आंसर फर्स्ट का क्या आएगा, पैरेलल। सेकंड है द रेजिस्टेंस ऑफ अ आइडियल अमीटर इज, तो कितना आएगा, जीरो। थर्ड है द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टोमीटर इज, तो ये आएगा इनफाइनाइट। फोर्थ है सन इज जॉइन ऑलवेज इन, तो कैसा आएगा, पैरेलल। फिफ्थ है द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। फिर उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट हमारी क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर एम्पियर मीटर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, वट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर कैरिंग करेंट इन अ सेम डायरेक्शन, तो ये इसका आंसर क्या आएगा, अल्टरनेटिंग फोर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर कॉयल कैरिंग करंट, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बी इक्वल टू म्यू जीरो अपॉन में 4π मल्टीप्लाई 2π एल अपॉन में आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, इफ 10% ऑफ मैन करंट इज द फ्लो थ्रू अ गैल्वेनोमीटर हैविंग कॉयल 99 ओम रेजिस्टेंस व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट, तो शंट का जो हमारा रेजिस्टेंस है वो कितना आएगा, तो एस इक्वल टू आ जाएगा आई जी अपॉन में आई माइनस आई जी, यानी ये हो जाएगा एस इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, आई वन अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 99 और ये आ जाएगा अपॉन में 1 माइनस 1 अपॉन में 10 यानी 11 ओम। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, तो फिफ्थ है राइट द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क ऑन अ करेंट कैरिंग लूप, तो जो हमारा टॉर्क होगा उसके लिए हमारा फॉर्मूला कितना होगा, टाउ इक्वल टू होगा हमारा एन आई ए बी साइन थीटा, या फिर इसी के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि टाउ इक्वल टू एम बी साइन थीटा, जहाँ पे एम हमारा क्या है, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन सिक्स, तो जो हमारा क्या है, व्हाट इज़ द मास स्पेक्ट्रम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मास स्पेक्ट्रम का, तो ये आएगा मास स्पेक्ट्रम इज एन एनालिटिकल टेक्निक बाय विच रिपीटर केमिकल स्पेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर फिल्ड आयोनाइज एंड चार्ज एंड देन सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास ऑफ द चार्ज रेशियो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ क्वेश्चन, तो सेवन्थ क्या है, व्हाई इज़ द कोर ऑफ द सॉफ्ट आयरन कैप्ट इन द मिडल ऑफ द कॉयल ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो इसका क्या आंसर आएगा सेवन्थ का, तो इसका आएगा द मैग्नेटिज्म ऑफ सॉफ्ट आयरन इज हाई एंड इट हेल्प इन बीइंग रेडियल इन द फील्ड। उसके बाद में आपके क्वेश्चन है वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर हैं, तो इनको आपको करना है, ये शॉर्ट टाइप के आंसर भी करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और इसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, और फोर्थ यूनिट है हमारी, सिक्स चैप्टर है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो इसमें भी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसका। तो फर्स्ट है हमारा, इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस ईएमएफ इन इंडिपेंडेंट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। उसके बाद में सेकंड है हमारा, लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द एडी करंट आर यूज इन, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा थर्ड का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग और इन सीडोमीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक, यानी आंसर आएगा ऑल ऑफ अबव। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा चौथा क्वेश्चन, फोर्थ है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कैन बी डिटरमाइंड बाय, तो इसका आंसर आएगा हमारा लेंज लॉ एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। उसके बाद में नेक्स्ट है, यानी इसका आंसर आ जाएगा सी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, इफ आर टर्न इन प्लेन कॉयल देन इट्स सेल्फ इंड्यूस इज प्रोड्यूस टू, तो इसका आंसर क्या आएगा एन स्क्वायर। उसके बाद में फिलिंग द ब्लैंक्स, तो पहला वाला क्वेश्चन है हमारा, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस ड्यू टू द चार्ज इन, तो इसका आंसर आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। सेकंड है हमारा, ट्रांसफर्स कोर्स आर मेड ऑफ टू रिड्यूस एडी करंट, तो इसका आंसर क्या आएगा लेमिनेटेड। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, तो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ द रेट ऑफ चार्ज ऑफ करंट इन अ कॉइल इज यूनिट देन द न्यूमेरिकली वैल्यू ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन दैट कॉइल इज इक्वल टू, तो इसका आंसर क्या आएगा सेल्फ इंड्यूस। चौथा क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रिक एनर्जी ड्यू टू एडी करंट एस वेस्टेज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्मल एनर्जी। फिफ्थ है, व्हेन एन आयरन कोर इज प्लेस इनसाइड अ कॉइल इट्स सेल्फ इंड्यूस गोज टू, तो इसका आंसर क्या आएगा क्लोज। सिक्स है, द रेट ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसका क्या आएगा आंसर इंड्यूस ईएमएफ। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो इसका आंसर आएगा हेनरी। दूसरा है, राइट द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स की एसआई यूनिट क्या होती है वेबर। तीसरा है, कीपिंग द टोटल लेंथ ऑफ कॉइल अनचेंज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज डबल हाउ मेनी टाइम विल बी इट्स सेल्फ इंड्यूस इंक्रीज, तो इसका आंसर भी क्या आएगा डबल। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो इसमें हमारा व्हाट इज द इनर्सिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका आंसर क्या आएगा सेल्फ इंड्यूस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक इनर्सिया। पांचवा हमारा, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ टू इंडक्टिव कॉइल आर L1 एंड L2 व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस विल 2L। उसके बाद में सिक्स हमारा क्या है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट प्रोड्यूस व्हेन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज ब्रोकन, तो इसका आंसर क्या आएगा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। उसके बाद में नेक्स्ट है, ये हमारा वेरी शॉर्ट टाइप का आंसर, तो इसको आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, तो ये हमारा सेवन्थ चैप्टर, और सेवन्थ चैप्टर है हमारा अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप के ही होंगे, तो ये हमारा सेवन्थ अल्टरनेटिंग करंट। पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर, तो फर्स्ट है हमारा, अ कैपेसिटर ऑलवेज थ्रो इट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा अ कैपेसिटर इज ऑलवेज थ्रो इट, तो इसका आंसर आएगा हमारा ओनली एसी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा एडी करंट। थर्ड है हमारा, अ डिवाइस विच इज कन्वर्टेड मैकेनिकल एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज, तो इसका आंसर क्या आएगा एसी जनरेटर। फोर्थ है, द फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट गिवन इन होम इन इंडिया इज, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 50 हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इन LC सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो इनमें फेज डिफरेंस कितने का होता है पाई बाय 2 का। सेकंड है हमारा, द रिलेशन बिटवीन पीक वैल्यू IO एंड द वैल्यू द वर्चुअल वैल्यू IRMS इन AC सर्किट इज, तो जो AC करंट सर्किट होगा इसमें हमारा इनके बीच में रिलेशन क्या होगा, तो IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इक्वल टू हो जाएगा I0/√2, ये इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है IRMS=I0/√2। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, तो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज दैट ऑफ प्राइमरी कॉइल, तो ये क्या होंगे लेस होंगे प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी में। ठीक है,
उसके बाद में फोर्थ है द एसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट आर बेस्ड ऑन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्मल इफेक्ट। फिफ्थ है हमारा इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटेंस द करंट लेड विथ वोल्टेज बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कितने से करता है, पाई बाय टू से। थर्ड क्वेश्चन है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट साइकिल, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो। सेकेंड है राइट द एसआई यूनिट ऑफ इम्पेंडेंस, तो इसका आंसर क्या आएगा, ओम। थर्ड है व्हाट इज वॉटलेस करंट, तो इसका आंसर क्या आएगा, इन एसी सर्किट व्हेन द एवरेज कंज्यूम्ड पावर इज जीरो देन दैट करंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। तो उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ व्हाट इज इन विच कंडीशन द करंट इज वॉटलेस, तो ये क्या आएगा, जब पी एवरेज कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन मैच द कॉलम, पहला हमारा इंडक्टिव रिएक्टेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ओमेगा एल। दूसरा हमारा कैपेसिटेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा हमारा वन अपॉन में टू पाई एफ सी या फिर वन अपॉन में ओमेगा सी। थर्ड है हमारा इम्पेंडेंस ऑफ आर एल सर्किट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, तो इसमें इम्पेंडेंस ऑफ आर सी सर्किट, तो जो हमारा आर सी सर्किट होगा इसका हमारा क्या आएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। फिफ्थ है हमारा इम्पेंडेंस ऑफ एल सी आर सर्किट, तो इसका क्या आएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर, तो ये आपको करने हैं। इस वीडियो में केवल हम वन वन मार्क्स के बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ चैप्टर जो है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। एट्थ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये रहा हमारा एट्थ चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका पहला क्वेश्चन है हमारा चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इनमें से कौन सा हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, साउंड वेव। सेकेंड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइएस्ट फ्रिक्वेंसी वेव, तो इनमें से किसकी है, अल्ट्रावायलेट वेव्स की। नेक्स्ट हमारा थर्ड द विजिबल लाइट हैज द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा थर्ड का, तो ये आएगा हमारा 10^-6 मीटर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम इज गिवन बाय, तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, वन अपॉन में रूट के अंदर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट वेवलेंथ, तो इनमें से सबसे लोवेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो इसका आंसर आएगा गामा रेज। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सिक्स है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, तो इनमें से लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी किसकी होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन। सेवन्थ है हमारा द रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी इन एन इलेक्ट्रिक वेव इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, बी इक्वल टू ई अपॉन में सी। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ क्वेश्चन, तो इसमें है इफ इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द इलेक्ट्रिक वैक्टर इज अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक वैक्टर इज अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, देन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, जेड एक्सिस की तरफ प्रोपोगेट होगा। नाइन्थ है हमारा द ओजोन स्फीयर एब्जॉर्ब, तो ये क्या एब्जॉर्ब करती है, ओजोन स्फीयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, इससे हमें प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द वेव आर यूज फॉर फोटोग्राफी इन द डार्क, तो कौन सी वेव यूज होती हैं, इंफ्रारेड। उसके बाद में सेकंड है द हाइट ऑफ ओजोन लेयर अबव द अर्थ सरफेस इज अप्रॉक्स, तो ये कितने ऊपर है लगभग अर्थ सरफेस से, 50 किलोमीटर। थर्ड है हमारा ड्यू टू द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट करंट प्रोड्यूस, तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप सॉरी एमसीक्यू टाइप का, तो फोर्थ है हमारा एन एक्सेलरेटेड चार्ज, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया। फोर्थ है हमारा एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस बोथ द मैग्नेटिक फील्ड एंड, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ द फॉर्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम, तो ये हमारा क्या आएगा, सी इक्वल टू वन अपॉन में रूट के अंदर म्यू नॉट एप्सिलॉन
नॉट। उसके बाद में सिक्स क्वेश्चन है हमारा, सेंसिटिविटी ऑफ हीट बाय वेव इट्स अकर, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा सिक्स का, इंफ्रारेड। सेवन्थ है हमारा द स्मेल ऑफ नियर द इलेक्ट्रिक स्पार्क, तो ये कैसी होती है हमारी, ओजोन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एट्थ द बल्ब ऑफ अल्ट्रावायलेट लैम्प आर मेड ऑफ, तो ये किसका बना होता है, क्वार्ट्ज का। नाइन्थ है हमारा द रे आर यूज एज जर्म किलर, तो कौन सी यूज होती है, अल्ट्रावायलेट। टेंथ है हमारा द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी इज, तो ये किसकी होती है, गामा वेव्स की। नेक्स्ट है हमारा आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है गिव द वेव लेंथ रेंज ऑफ विजिबल लाइट, तो इसका आंसर क्या आएगा, वेव लेंथ इक्वल टू 4 × 10⁻⁷ मीटर टू 8 × 10⁻⁷ मीटर। सेकेंड है हमारा विच वेव आर यूज फॉर टेली कम्युनिकेशन, तो इसका क्या आएगा, माइक्रोवेव्स। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा थर्ड राइट द वेव लेंथ रेंज ऑफ माइक्रोवेव्स, तो इसका क्या आएगा, वेव लेंथ रेंज इक्वल टू 1 × 10⁻³ मीटर टू 3 × 10⁻⁶ मीटर। फोर्थ है हमारा व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर दोज वेव विच आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ, तो फिफ्थ वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, इफ देयर वॉज नो एटमोसफियर ऑन अर्थ वट वुड बी द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सर्फेस एज कम्पेयर टू द प्रजेंट टेम्परेचर, तो ये प्रजेंट टेम्परेचर से कैसा हो जाएगा, लेस हो जाएगा अगर अर्थ के ऊपर सर्फेस नहीं हो, वो एटमोसफेयर नहीं होगा तो। नेक्स्ट क्या है फोर्थ मैच द कॉलम, तो फर्स्ट हमारा रेडियो वेव्स, तो रेडियो वेव्स का हमारा क्या आएगा, ये इसका आएगा मार्कोनी। नेक्स्ट हमारा अल्ट्रावायलेट वेव्स, तो इसका हमारा क्या आएगा, रिटर। थर्ड है हमारा एक्सरे, तो इसका हमारा क्या आएगा, एक्सरे का रॉन्ज। ये हमारा फोर्थ वाला है वायरेस, तो वायरेस का हमारा क्या आएगा, बिग वायरल। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ विजिबल लाइट, तो इसका क्या आएगा, न्यूटन। नेक्स्ट है इंफ्रारेड रेज, तो इसका क्या आएगा, विलियम हर्सल। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ चैप्टर, तो नाइन्थ चैप्टर हमारा क्या है, रे ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज मिनिमम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रेड। सेकेंड हमारा फॉर विच कलर द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विल बी मिनिमम, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, वॉयलेट। थर्ड है हमारा द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड इज ड्यू टू, तो ये किसके कारण होता है, तो इसका आंसर आएगा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। उसके बाद में नेक्स्ट है फोर्थ अ कॉन्केव लेंस विथ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड द कॉन्वेक्स लेंस विथ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप इट्स मैग्नीफाइंग पावर गोज टू, तो कैसी हो जाएगी, इंक्रीज। सेकेंड द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंसेज, तो ये क्या होती है, डायोप्टर। थर्ड है स्काई इज सीन ब्लू टू ऑफ लाइट, तो ये क्या है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। फोर्थ है द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ हेल्थी आइज इज, तो ये कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ द कलर ऑफ स्काई अपियर वेन व्यू फ्रॉम द मून, तो ये कैसा होता है, ब्लैक। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन आंसर इन द वन वर्ड और वन सेंटेंस, जिसमें पहला है राइट द रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, तो इनका रिलेशन क्या होता है, म्यू इक्वल टू होगा 1/sin C, तो ये सी हमारा क्रिटिकल एंगल है और ये म्यू हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन, तो ये राइट द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर द लेंस, तो लेंस के लिए हमारा कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन राइट द फॉर्मूला फॉर लीनियर मैग्नीफिकेशन बाय लेंस, तो लेंस का लीनियर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है हमारा मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू HI/HO, जहाँ पे HI हमारा क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, तो म्यू इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1/
साइन 45, और साइन 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/√2। तो म्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 1/√2 में जो रूट टू वाला नीचे ये ऊपर जाएगा तो √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना हो जाएगा, √2। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ हमारा क्या है, व्हाट विल बी द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप मेड ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, 2.5 मीटर। नेक्स्ट है हमारा सिक्स, वेजल ऑफ डेप्थ 10 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ सम लिक्विड, द डेप्थ ऑफ द क्वाइन कैप्ड इन द बॉटम इज 8 सेंटीमीटर, वट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा कितना आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा म्यू इक्वल टू एच अपॉन में एच डैश, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये आ जाएगा हमारा 1.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा सेवन्थ। तो सेवन्थ है हमारा, इन वाट कंडीशन इज द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा सेवन्थ वाले का, तो ये आ जाएगा, अ वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस ऑफ द लेंस। उसके बाद में ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं, तो ये आपको करना है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी टेंथ। दसवां चैप्टर है हमारा वेव ऑप्टिक्स, जिसका पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर। तो पहला है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस अनदर प्लेस बाय अ वेव। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा हमारा एनर्जी। सेकंड है हमारा इंटरफेरेंस अकर इज, तो इंटरफेरेंस हमारा कब अकर्ड होता है, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव बोथ में हमारा वेव फ्रंट अकर होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा थर्ड, फॉर गुड रिजोल्यूशन अ टेलीस्कोप शुड हैव। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, अ लार्ज डायमीटर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, द पोलराइजेशन ऑफ लिक्विड प्रूव्ड। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, तो ये आएगा हमारा ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। फिफ्थ है हमारा फ्रेजनेल्स डिस्टेंस इज, तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, ए स्क्वायर अपॉन में लेमडा। उसके नेक्स्ट हमारा सेकंड क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स, इसका फर्स्ट है द फिनोमिना ऑफ इनकरोकमेंट ऑफ अ लाइट इन अ जियोमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, डिफ्रैक्शन। सेकंड है हमारा, द कॉज ऑफ अपीयरेंस ऑफ द कलर इन थिन फिल्म इज, तो ये किसका है, इंटरफेरेंस का। थर्ड हमारा क्या है, द पॉइंट पाथ ऑफ पॉइंट ऑसिलेशन इन द सेम फेज ड्यूरिंग वेव प्रोपोगेशन इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, वेव फ्रंट। नेक्स्ट है फोर्थ, द वेव फ्रंट ड्यू टू द पॉइंट सोर्स इज, तो इसका आंसर क्या आएगा, स्फेरिकल। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वाला, इंक्रीज इन वेव लेंथ ड्यू टू द मूविंग अवे ऑफ द वेव सोर्स फ्रॉम द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, रियल शिफ्ट। सिक्स है हमारा, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बाय इनक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो इसका आंसर क्या आएगा, डिक्रीजिंग बाय इंक्रीजिंग द वेव लेंथ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारा 11th चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो पहला है हमारा, चूज द करेक्ट आंसर, द एनर्जी इज इमिटेड फ्रॉम अ सोर्स इन द फॉर्म ऑफ। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा फोटोन। सेकेंड है हमारा, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज, तो ये कितना होता है, एच न्यू। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारा, द मैटर वेव एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, एक्सट्रैक्ट इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट वेव लेंथ इन अ सर्टेन एरिया इन द स्काई। नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, अंडर द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द ट्रांसफर ऑफ लाइट एनर्जी इज, तो ये क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सेकेंड है द नेचर ऑफ रेडिएशन इज, तो ये कैसा, डुअल। थर्ड है एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन ऑफ मैटर वेव वाय, तो इसका आंसर क्या आएगा, डेविएशन एंड जर्मर। तो इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, तो इसमें हमारा क्या है, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बाज, तो ये किसने किया था, आइंस्टीन ने। फिफ्थ है द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, तो ये कितना, जीरो। उसके बाद में आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस, तो इसमें हमारा पहला है क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉल्ड द फिनोमिना ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटेलिक सरफेस। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा सेकंड, राइट द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जूल। तो इसका आंसर क्या आएगा, वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। उसके बाद में थर्ड है, स्टेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएशन विद द फोटॉन। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.01 नैनोमीटर।
इसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्या है, राइट द फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ऑफ आइंस्टीन। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, हाफ एम वी स्क्वायर मैक्स इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन। तो ये हमारा क्या है, व्हाट इफेक्ट अकर ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एज द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो ये आएगा सेचुरेटेड करेंट इंक्रीज। उसके बाद में नेक्स्ट है सिक्स, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। तो सिक्स वाले का आंसर क्या आएगा, देयर इज़ नो चेंज इन करेंट। सेवन्थ है हमारा, व्हाट हैपेंड टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ इमीटर इलेक्ट्रॉन एज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, सेवन्थ का, काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज। नेक्स्ट है हमारा एट्थ, तो ये आएगा व्हाट इज कॉल्ड फोटोन। तो इसका आंसर क्या आएगा, फोटोन इज द पैकेट ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा नाइन्थ, व्हाट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो ये हमारा क्या, फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज द डिवाइस दैट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट है हमारा टेंथ, तो टेंथ हमारा क्या है, राइट द यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द प्लांक कांस्टेंट। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो द यूनिट ऑफ प्लांक कांस्टेंट इज जूल पर सेकंड और डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल टू टी माइनस वन। उसके बाद में ये हमारे वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट यानी 14 चैप्टर की तरफ, जो कि हमारा सेमी कंडक्टर और ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर, जिसमें फर्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर कंटेन मेजरली एंड माइनरली रिस्पेक्टिवली। तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। यानी होल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं इसमें मेजरली, और इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होते हैं माइनरली। सेकंड है हमारा विथ इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इट कंडक्टिविटी। तो ये इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी, तो ये हो जाती है इंक्रीज। थर्ड है हमारा द विथ ऑफ डिप्लेशन लेयर इन पीएन जंक्शन डायोड इज। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10^-6 मीटर। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, इट इज़ यूज इन वोल्टेज रेगुलेटर। तो इसका आंसर क्या आएगा फोर्थ का, जीनर डायोड। नेक्स्ट है फिफ्थ, व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू द पीएन जंक्शन देन इट। तो इसका आंसर क्या आएगा फिफ्थ का, तो ये आ जाएगा इसका द पोटेंशियल रेजिस्टेंस रिड्यूस। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स का, इम्प्यूरिटी लेस सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। दूसरा हमारा डोपिंग द एटम इन द इंट्रेंसिक, तो ये कैसा होता है, पेंटावेलेंट। नेक्स्ट है हमारा थर्ड, जीनर डायोड ऑपरेटेड इन द रीजन ऑफ, तो ये क्या है, डिप्लेशन। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, नैंड गेट हैज़ द गेट विथ गेट, तो ये किसके साथ में, नॉट गेट के साथ में। नैंड गेट हैज़ द गेट विथ नॉट गेट एंड एंड गेट एंड गेट। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ, ऑल गेट आर बेस्ड ऑन द नंबर्स, तो ये कितने, दो नंबर्स के ऊपर यानी बाइनरी नंबर के ऊपर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। पहला, हाउ डज द इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एट डिग्री केल्विन टेम्परेचर। तो इसका आंसर हमारा कैसा आएगा, सुपर कंडक्टर। सेकेंड है हमारा, स्टेट द मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसका आंसर क्या आएगा, होल हमारे मेजोरिटी में होते हैं और इलेक्ट्रॉन हमारे माइनॉरिटी में होते हैं। थर्ड है, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द नैंड गेट। तो नैंड गेट के लिए बूलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू एंड गेट यानी a डॉट b, और ये हो गया नैंड गेट। नेक्स्ट हमारा फोर्थ, व्हाट इज LED। तो जो हमारा LED होता है ये क्या होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर उसके बाद में नेक्स्ट है फिफ्थ, विच सेमीकंडक्टर डिवाइस परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर। तो इसका आंसर क्या आएगा, नॉर एंड नॉट गेट। उसके बाद में सिक्स नंबर का है हमारा, विच टाइप ऑफ गेट हैज़ ओनली वन इनपुट। तो ये कौन से इसमें होता है जिसमें हमारा वन इनपुट हो, तो ये हमारा जो गेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इधर तो लिखा है अल्टरनेटिव करंट। विच टाइप ऑफ गेट हैज़ ओनली वन इनपुट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स वाले का, जो हमारा नॉट गेट होता है उनमें हमारा कैसा होता है, एक ही इनपुट होता है। सेवन्थ हमारा क्या है, इन विच बाइस द रेजिस्टेंस ऑफ पी एन जंक्शन डायोड इज़ वेरी हाई। तो ये कैसा होगा, रिवर्स वाइज। नेक्स्ट हमारा मैच द कॉलम, तो पहला है हमारा नैंड, तो नैंड का हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बार। दूसरा है हमारा एंड, तो एंड का हमारा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी। तीसरा है हमारा
नॉर, तो नॉर का हमारा क्या हो जाएगा ए प्लस बी का बार। चौथा है हमारा और, तो और का क्या हो जाएगा ए प्लस बी। पाँचवा हमारा नॉट, तो इसका क्या हो जाएगा ए बार। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे जो हमने आपको अभी दिए 1-1 मार्क्स वाले। और कोचिंग के पेज को आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करना है। और बाकी के आपको प्लेलिस्ट में जा करके 12th क्लास का एमपी बोर्ड का और 10th क्लास का एमपी बोर्ड का हिंदी और इंग्लिश मीडियम की दोनों की अलग अलग सीरीज़ हैं, तो आपको देख लेनी है। और भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो आप टेलीग्राम से जा करके डाउनलोड कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।